अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। और आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं फर्स्ट ईयर क्लास की बायोलॉजी की किताब से, किंगडम एनिमेलिया। अच्छा, ये किंगडम एनिमेलिया बहुत ही ज़बरदस्त चैप्टर है, जूलॉजी का पार्ट है किंगडम एनिमेलिया। अब किंगडम एनिमेलिया को स्टार्ट करेंगे आज, और इंशाल्लाह इसकी क्लासिफिकेशन को भी पढ़ेंगे कि जनरल क्लासिफिकेशन जितने भी एनिमल्स हैं उनकी किस बेसिस पे होती है, और इसकी जो जनरल क्लासिफिकेशन है इंशाल्लाह वो हम दो पार्ट के अंदर कवर करेंगे इंशाल्लाह। सो आज इसका फर्स्ट पार्ट तो पढ़ेंगे एनिमल क्लासिफिकेशन का, लेकिन सबसे पहले पढ़ते हैं कि एनिमल किंगडम एनिमेलिया के अंदर जो वर्ड एनिमेलिया वर्ड जो इस्तेमाल करते हैं एनिमल्स के लिए, ये वर्ड लैटिन वर्ड है बेटा। कौन सा वर्ड है? लैटिन वर्ड है। लैटिन वर्ड एनिमा से निकला हुआ है। लैटिन वर्ड एनिमा से निकला है, और एनिमा का मतलब है सोल या ब्रीथ। सोल या ब्रीथ। सो एनिमेलिया वर्ड, जो वर्ड एनिमेलिया है ये लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है, निकला है एनिमा से। कहां से? एनिमा, लैटिन लैंग्वेज का वर्ड एनिमा। एनिमा का मतलब होता है सोल या ब्रीथ। सोल भी कह सकते हो और ब्रीथ भी कह सकते हो। सो जानदार के लिए ये वर्ड इस्तेमाल होते हैं। तो एनिमा मीन्स सोल और ब्रीथ। सो किंगडम एनिमेलिया को अगर देखें तो किंगडम एनिमेलिया के अंदर या एनिमल्स जो होते हैं वो ज्यादातर जो क्लासिफाई मतलब बेसिक जो क्लासिफिकेशन एनिमल्स की होती है वो दो कैटेगरीज के अंदर होती है। या तो एनिमल यूनिसेलुलर होते हैं या तो एनिमल्स मल्टीसेलुलर होते हैं। अगर कोई एनिमल यूनिसेलर है, यूनिसेलर इट मींस के सिंगल सेल से बना हुआ हो, ऐसा एनिमल जो कितने सेल से बना हो? सिंगल सेल। और मल्टीसेलर जो मेनी सेल्स का हो, जिसकी ऑर्गेनाइजेशन मेनी सेल्स के ऊपर डिपेंड करे। सो यूनिसेलर एनिमल्स को हम क्या नाम देते हैं? ग्रुप के अंदर डिवाइड करते हैं, जिसका नाम है प्रोटोजोआ, और ये फाइलम प्रोटिस्टा के अंदर प्लेस किए जाते हैं। प्रोटिस्टा, फाइलम प्रोटिस्टा के अंदर जितने भी एनिमल्स आते हैं उन्हें हम कहते हैं प्रोटोजोआ, क्योंकि वो यूनिसेलुलर यूकेरियोट्स होते हैं, यूनिसेलुलर यूकेरियोट्स होते हैं। लेकिन जो मल्टीसेलुलर होते हैं इन्हीं एनिमल्स को हम कहते हैं, दीज आर नोन एज ट्रू एनिमल्स। ट्रू एनिमल्स के लिए हम एक अल्फाज यूज करते हैं मेटाजोआ। कौन सा वर्ड है बेटा? मेटाजोआ, या यू मेटाजोआ भी कहते हैं। सो मेटाजोआ वर्ड का मतलब क्या है कि ट्रू एनिमल्स मीन्स True animals की definition अगर write करें कि animals की definition क्या होगी, animals को कैसे define करेंगे, तो याद रखिए animals are the eukaryotic। सबसे पहली चीज के वो क्या है? Eukaryotic होने चाहिए, multicellular, ingestive heterotrophs, and diploid and developed by the fusion of egg and sperm। तो क्या चीज, क्या डेफिनेशन है? मल्टी एनिमल्स आर, टू एनिमल्स आर यूकेरियोटिक, मल्टीसेलुलर, इंजेस्टिव हेटरोट्रॉफ्स, डिप्लॉइड एंड डेवलप्ड बाय द फ्यूजन ऑफ एग एंड स्पर्म। एग और स्पर्म की फ्यूजन से जो जानदार पैदा हो, और वो डिप्लॉइड होना चाहिए, यूकेरियोटिक सेल होना चाहिए, और मल्टीसेलुलर लाइफ उसकी एग्जिस्ट कर रही हो, और इंजेस्टिव हेटरोट्रॉफ हो, तो हम उसे क्या कहेंगे कि ये मेटाजोआ है। मेटाजोआ मींस ट्रू एनिमल है। ओके, अब एनिमल्स क्या है? एनिमल्स सबसे स्मॉलेस्ट एनिमल कौन सा है? ट्राइकोप्लेक्स, जिसकी साइज कितनी है? 0.5 मिलीमीटर, जो सबसे छोटा है, 0.5 ट्राइकोप्लेक्स। अच्छा, वैसे इससे भी छोटा अगर हम कहें कि अमीबा है, जिससे कि जिसकी साइज होती है 0.25 mm है, जो कि अच्छा ये पुरानी किताब है, तो न्यू किताब को अगर आप पढ़ोगे तो उसके अंदर अमीबा का जिक्र भी है, 0.25 mm। अच्छा, जो स्मॉलेस्ट एनिमल है ट्राइकोप्लेक्स, अब जो लार्जेस्ट एनिमल है, लार्जेस्ट एनिमल कौन सा है? वेल। ओके, वेल इसकी लेंथ है 40 मीटर इसकी लेंथ है, और जो वेट है वो 1,60,000 kg है। 1,60,000 kg इसका क्या है? इसका वेट होता है। अच्छा, जितने भी जानदार हैं, मोस्टली एनिमल्स आर मोटाइल, मूवेबल,
they can locomote, but few are sessile, which cannot move. Sessile like sponges, sponges जितने भी हैं, phylum Porifera पढ़ेंगे इंशाल्लाह, तो उसके अंदर जितने भी जानदार हैं वो मोटाइल नहीं है, sessile है. Sessile means बंद है, एक ही जगह पर है. अच्छा, वर्ल्ड के ऊपर या अर्थ के सरफेस के ऊपर टोटल 75% स्पीशीज जो है वो किसकी है? 75% स्पीशीज एनिमल्स की है. ओके, और इन 75% स्पीशीज में से अबाउट वन, ये कितने स्पीशीज होंगे, 1.3 मिलियन स्पीशीज की मैं बात कर रहा हूं. 1.3 मिलियन स्पीशीज आर एनिमल्स, 1.3 मिलियन स्पीशीज टोटल है, 2.5 मिलियन स्पीशीज, और इसमें से 1.3 मिलियन, अच्छा ये ज्यादातर 2.5 नहीं है, इसको हम कहते हैं 1.5 मिलियन स्पीशीज. ओके, सो 1.5 मिलियन स्पीशीज में से 1.3 मिलियन स्पीशीज क्या है, वो है एनिमल्स, और वो डिवाइडेड है किसके अंदर, 33 फाइला. टोटल कितनी फाइला एनिमल्स की, 33 फाइला है, और इनमें से जो मेजर इंपॉर्टेंट फाइला है वो है 9 फाइला. अब देखिए 9 फाइला कौन कौन से हैं. सबसे पहला फाइला जो है फाइलम पोरीफेरा, जिसके अंदर स्पंजेस आ जाते हैं. सेकेंड नाइडेरिया सेलेंट्रेटा भी कहते हैं, नाइडोसाइट सेल्स इनके अंदर पाए जाते हैं. तो नाइडेरिया जिसके अंदर जेलीफिश, हाइड्रा, कोरल्स, ओके, एक्वाटिक लाइफ है. उसके बाद प्लेटीहेलमिंथिस, फाइलम प्लेटीहेलमिंथिस जिसके अंदर फ्लेटवर्म्स. अब फ्लेटवर्म्स कौन कौन से, लाइक प्लेनेरिया है या टेपवर्म है, ये दोनों क्या है, ये फ्लेटवर्म्स है. और फ्लेटवर्म्स कौन से के फाइलम के अंदर आते हैं, फाइलम प्लेटीहेलमिंथिस. अब फोर्थ जो फाइला है वो नीमाटोडा है. फाइलम नीमाटोडा के अंदर राउंड वर्म्स आते हैं, जितने भी राउंड वर्म्स हैं वो सारे के सारे के अंदर क्यों से आते हैं, सारे के सारे राउंड वर्म्स आ जाते हैं. कौन से वर्म्स, राउंड वर्म्स. देखिए पोरीफेरा के अंदर स्पंजेस, नाइडेरिया के अंदर जेलीफिश, हाइड्रा, कोरल्स, और प्लेटीहेलमिंथिस के अंदर फ्लैट वर्म्स आते हैं. फ्लैट वर्म कौन से होते हैं, एक प्लेनेरिया है, दूसरा टेप वर्म है. इसके अलावा फाइलम नीमाटोडा के अंदर जितने भी राउंड वर्म्स हैं वो सारे फाइलम नीमाटोडा के अंदर आ जाते हैं. और उसके बाद नंबर फिफ्थ फाइलम है एनिलिडा. एनिलिडा के अंदर सारे के सारे सेगमेंटेड वर्म्स आ जाते हैं, सेगमेंटेड वर्म्स. अब देखिए एक है फ्लैट वर्म्स, एक है राउंड वर्म्स, और दूसरे सेगमेंटेड वर्म्स. सेगमेंटेड वर्म्स कौन कौन से हैं, जैसे कि अर्थ वर्म है, लीचेस है, ये सारे के सारे क्या है, फाइलम एनिलिडा के अंदर प्लेस होते हैं, सेगमेंटेड वर्म्स. इसके अलावा फाइलम आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा के अंदर जितने भी इंसेक्ट्स हैं और स्पाइडर्स, इंसेक्ट्स और स्पाइडर्स कहां पर प्लेस किए जाते हैं, फाइलम आर्थ्रोपोडा के अंदर. उसके बाद फाइलम मोलुस्का, फाइलम मोलुस्का के अंदर स्नेल्स आ जाते हैं और ऑस्टेट्स. इसके अलावा स्नेल सारे के सारे मोलुस्का के अंदर आते हैं. उसके बाद फाइलम इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा के अंदर सी स्टार एंड सी अर्चिन्स आ जाते हैं. इसके अलावा आखिरी है लास्ट फाइलम कॉर्डेटा, कॉर्डेटा के अंदर फिशेस, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस, बर्ड्स और मेमल्स प्लेस किए जाते हैं. कौन कौन से, फिशेस, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस, बर्ड्स और मेमल्स प्लेस किए जाते हैं. क्लियर, सो देयर आर 9 मेजर फाइला ऑफ किंगडम एनिमेलिया. नंबर 1 इज पोरेफेरा, नंबर 2 इज नाइडेरिया, नंबर 2 इज प्लेटीहेलमिंथिस, नंबर 4 नीमाटोडा, नंबर 5 एनिलिडा, नंबर 6 आर्थ्रोपोडा, नंबर 7 मोलुस्का, नंबर 8 इकाइनोडर्मेटा एंड नंबर 9 इज कॉर्डेटा. ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, अब जितने भी एनिमल्स हैं उनकी हमारे पास क्लासिफिकेशन की जाती है. अब एनिमल समहाउ मैंने आपको क्या कहा था कि देयर इज अबाउट 1.3 मिलियन स्पीशीज ऑफ एनिमल्स एग्जिस्ट ऑन द अर्थ व्हिच आर क्लासिफाइड इनटू 33 फाइला, बट द मेजर फाइलास आर 9 फाइला. ओके, सो इन 9 फाइला के अंदर जितने भी एनिमल्स हैं या ओवरऑल 33 फाइला है एनिमल्स के, उनके अंदर जितने भी एनिमल्स आते हैं तो उनकी क्लासिफिकेशन किस बुनियाद पे की जाती है. सो एनिमल क्लासिफिकेशन इज बेस्ड अपॉन 6 ऑन 6 बेसिस, 6 बेसिस, 6 बेसिस के ऊपर क्लासिफिकेशन होती है एनिमल की. अब मैंने ट्राई किया है कि आपको सारी चीजें क्लियर करवाऊं, सो इसीलिए सारी चीजें मैंने बोर्ड पे राइट की हुई है. So, सबसे पहले जो एनिमल क्लासिफिकेशन के 6 बेसिस हैं उनमें सबसे पहला बेस कौन सा है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन. ओके, एंड नंबर 2 जर्म लेयर,
अब सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन सेल के बेसिस पे, जर्म लेयर, ओके, एंड नंबर थर्ड इज सिमेट्री, नंबर फोर्थ बॉडी कैविटी, एंड नंबर फाइव इज एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, एंड नंबर सिक्स इज फेट ऑफ ब्लास्टोपोर। अच्छा, नंबर वन सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, नंबर टू जर्म लेयर, सिमेट्री, बॉडी कैविटी जिसको सिलोम भी कहते हैं, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट और फेट ऑफ ब्लास्टोपोर। अब सबसे पहले जो हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन है वो है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन? सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। अब सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के अगर देखें तो दो तरह के एनिमल्स होते हैं, एक होते हैं पैराजोआ और दूसरे हैं यूमेटाजोआ। यूमेटाजोआ ट्रू एनिमल जिन्हें कहा जाता है। पैराजोआ कौन से हैं? पैराजोआ ऐसे एनिमल्स हैं, ये सिंपलेस्ट मल्टीसेलुलर हैं जिनके अंदर सिर्फ और सिर्फ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होती है। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन होती है? सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होती है, बट इनके अंदर लेक ऑफ टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन इनके अंदर नहीं होती। एसिमेट्रिकल होते हैं, एसिमेट्रिकल इट मींस कि इनके अंदर कोई सिमेट्री नहीं होती, ओवरऑल बॉडी का शेप और पार्ट्स जिन जो डिफाइन कर सके, डिफाइंड बॉडी पार्ट्स और शेप नहीं होता। इसके अलावा इसके अंदर कौन सा फाइलम प्लेस किया जाता है? फाइलम पॉलीफेरा, जिसके अंदर सारे स्पंजेस आ जाते हैं, सारे स्पंजेस प्लेस किए जाते हैं। लेकिन यूमेटाजोआ के अंदर देखें कि हैव टिश्यू ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन। ऐसे यो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके अंदर टिश्यू ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम की ऑर्गेनाइजेशन होती है, तो ऐसे जानदारों को हम कहते हैं यूमेटाजोआ और ऐसे एनिमल्स को हम कहते हैं यूमेटाजोआ। और याद रखें कि एक फाइला अगर पैराजोआ है तो बाकी जितने भी आर्च होंगे वो प्लेस होंगे यूमेटाजोआ के अंदर, जितने अदर एट फाइला बिलोंग्स टू यूमेटाजोआ। अब पैराजोआ जो है स्पंजेस है या फाइलम पोरिफेरा है, ये इसकी क्लासिफिकेशन के अंदर कोई आगे क्लासिफिकेशन मूव नहीं होगी इसकी, क्योंकि ये सिंपलेस्ट मल्टीसेलुलर है जिनके अंदर सिर्फ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, कोई टिश्यू नहीं है। जब टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन नहीं है तो इनके अंदर सेकेंड ऑर्गेनाइजेशन जो जो कि जर्म लेयर्स के बुनियाद पे होती है तो वो नहीं है। तो जर्म लेयर्स या उनके अंदर टिश्यू लेयर्स, कौन से? जर्म लेयर्स और टिश्यू लेयर्स। सो जर्म लेयर्स की अगर बात करें, व्हाट इज मीन बाय जर्म लेयर? जर्म लेयर मींस लेयर्स ऑफ एम्ब्रियो विच फॉर्म होल बॉडी। जर्म लेयर्स के का मतलब है कि एम्ब्रियो, किसी भी एम्ब्रियो के या टिश्यू लेयर्स, एम्ब्रियो के टिश्यू लेयर्स जो फॉर्म करें, टिश्यू के लेयर्स जो फॉर्म करें पूरी बॉडी को, ये तीन तरह के होते हैं। अगर आप सबसे आउटर को देखें तो आउटर होगा सॉरी एक्टोडर्म, बीच में मौजूद होगा मीजोडर्म मिडिल, और सबसे अंदर जो है वो है एंडोडर्म। आउटर एक्टोडर्म, बीच में मीजोडर्म और बाहर अंदर एंडोडर्म। So, अब ये दो तरह की क्लासेस होगी इसके अंदर, एक है डिप्लोब्लास्टिक या ब्लास्टिका और दूसरे है ट्रिप्लोब्लास्टिका। यूमेटाजोआ इसके अंदर सारे के सारे कौन से आ जाते हैं? यूमेटाजोआ। यूमेटाजोआ जितने भी हैं वो जर्म लेयर्स की क्लासिफिकेशन के अंदर आएंगे। तो ये दो तरह के यूमेटाजोआ फर्दर डिवाइड हो जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ जर्म लेयर्स, डिप्लोब्लास्टिका एंड ट्रिप्लोब्लास्टिका। डिप्लोब्लास्टिका के अंदर फाइलम नाइडीरिया आता है और बाकी जो सात फाइला, देखिए एक फाइला नाइन है तो नाइन में से पॉलीफेरा तो पैराजोआ है, आठ है, आठ में से एक नाइडीरिया फाइला जो है वो फाइलम जो है वो डिप्लोब्लास्टिका है। क्यों डिप्लोब्लास्टिका है? क्योंकि इसके अंदर सिर्फ दो जर्म लेयर्स पाई जाती है, एक एंडोडर्म दूसरा एक्टोडर्म। कौन सा? एक एंडोडर्म और दूसरा एक्टोडर्म पाया जाता है, बाकी मीजोडर्म इसके अंदर मिसिंग है। तो डिप्लोब्लास्टिका फाइलम नाइडीरिया। ट्रिप्लोब्लास्टिका के अंदर अदर सेवन फाइला आ जाते हैं, इनके अंदर तीन जर्म लेयर्स होते हैं, एक एंडोडर्म, मीजोडर्म और एक्टोडर्म। तो कंप्लीट जर्म लेयर्स मौजूद हैं जिसके अंदर, कंप्लीट जर्म लेयर्स किसके अंदर मौजूद है? ट्रिप्लोब्लास्टिका या फाइलम जितने भी अदर फाइलाज हैं, ये सेवन अंदर फाइला जैसे कि प्लैटीएलमेंथेस, नेमाटोडा, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, काइनोडर्मेटा और कॉर्डेटा इनके अंदर। अब थर्ड जो क्लासिफिकेशन का रूल है वो किसके ऊपर बुनियाद है? थर्ड सिमेट्री। सिमेट्री मैंने कहा था ओवरऑल बॉडी का जो शेप या पार्ट को डिफाइन करे या डेफिनेट बनाए तो वो होगा सिमेट्री। सिमेट्री क्या है? इट इज अबाउट ओवरऑल शेप ऑफ द बॉडी एंड पार्ट्स। ओवरऑल बॉडी और शेप को, बॉडी के पार्ट्स को डिफाइन करने वाले क्लासिफिकेशन को हम कहते हैं, या ओवरऑल शेप को हम सिमेट्री से डिफाइन करते हैं। अब जो दो तरह की सिमेट्री होती है, एक है रेडिएटा और दूसरे बायलेट्रिया।
या बायलेटरल, रेडियल एंड बायलेटरल। अब रेडियल और बायलेटरल सिमेट्री का मतलब क्या है, देखिए अगर आप एक जानदार है, ये रेडियल जो सिमेट्री है वो सर्कुलर फैशन में होगी या रोटेशनल होगी, सर्कुलर या रोटेशनल, रोटेशनल या सर्कुलर होगी। इसके अंदर नो लेफ्ट राइट साइड्स, मतलब इसकी बॉडी में कोई लेफ्ट और राइट साइड नहीं होगा, सिर्फ टॉप होगा और बॉटम, टॉप साइड और बॉटम साइड इसके अंदर मौजूद है। और याद रखें इसकी बॉडी को अगर आप किसी सिर्फ एक कट से दो आइडेंटिकल हाफ्स के अंदर या आइडेंटिकल हाफ्स के अंदर डिवाइड नहीं कर सकते, या इक्वल हाफ्स में सिर्फ एक कट से दो हाफ नहीं बनेंगे, दो इक्वल हाफ्स नहीं बनेंगे इसकी बॉडी के, क्योंकि इसकी जो ये सर्कुलर और रोटेशनल फैशन में पाया जाता है। और इसके अंदर क्यों, क्योंकि इसके अंदर राइट लेफ्ट साइड नहीं मौजूद। ओके, और बायलेट्रिया कौन सा है, बायलेट्रियल या बायलेट्रिया एनिमल्स, ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनके अंदर डोर्सल और वेंट्रल साइड मौजूद हो, या आप कह सकते हो कि कौन सा टॉप और बॉटम हो, लेफ्ट और राइट साइड मौजूद हो, हेड हो और टेल भी हो, ये सारी चीजें जिसके अंदर मौजूद है तो वो होगा बायलेट्रियल। ओके, बायलेट्रिया या बायलेट्रियल हम एनिमल्स कहेंगे उनको। और वन, ये एक कट से, किसी भी एक कट से ये दो प्लेन के अंदर या दो इक्वल हाउस के अंदर डिवाइड हो जाएंगे, जैसे कि प्लेनेरिया को देखें तो याद रखें इसके अंदर एग्जांपल्स कौन से आ जाते हैं, इसके अंदर नाइडेरिया और इकाइनोडर्मेटा प्लेस किए जाते हैं। नाइडेरिया और इकाइनोडर्मेटा के अंदर रेडियल सिमेट्री है, बाकी जितने भी सिक्स फाइला है उनके अंदर बायलेट्रिया है। कौन कौन से, नाइडेरिया, नाइडेरिया और इसके अलावा इकाइनोडर्मेटा, इन दो फाइला को देखें तो इन दोनों के अंदर रेडियल सिमेट्री है, लेकिन बायलेट्रिया किसके अंदर है, पोरीफेरा को छोड़ के बाकी जितने भी अदर हैं वो सारे के सारे छह फाइला हैं, उनके अंदर बायलेटरल सिमेट्री है। सो ओके डियर स्टूडेंट्स, सो हमने सिर्फ और सिर्फ क्या डिस्कस किया, फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने एनिमल क्लासिफिकेशन के तीन रूल्स डिस्कस किए। फर्स्ट सेलर ऑर्गेनाइजेशन, सेलर ऑर्गेनाइजेशन पेराजोआ और यूमेटाजोआ में होती है। ओके, जिसमें सेलर ऑर्गेनाइजेशन होती है उसमें टिश्यू ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन है। जर्म लेयर को देखें तो एक डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, दूसरे ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, लेकिन जर्म लेयर्स के बुनियाद पर कौन किसकी क्लासिफिकेशन होती है, पेराजोआ की नहीं होती, किसकी होती है, यूमेटाजोआ की होती है। और आगे भी सारे जो क्लासिफिकेशन है वो यूमेटाजोआ की है, पेराजोआ की नहीं होगी। ओके, और सिमेट्री, सिमेट्री को देखें सिमेट्री दो तरह की होती है, रेडियल और बायलेटरल सिमेट्री होती है। अगर आप किसी भी जानदार की बॉडी को एक कट से दो आइडेंटिकल हाफ के अंदर डिवाइड कर दें तो हम उसे कहेंगे रेडियल सिमेट्री। बट उसकी बॉडी अगर सर्कुलर फैशन में, तो याद रखें उसकी सिमेट्री रोटेशनल या सर्कुलर फैशन की अगर किसी की बॉडी होगी तो उसके अंदर रेडियल सिमेट्री होगी। लेकिन जो बायलेटरल सिमेट्री है, बायलेटरल सिमेट्री के अंदर कोई सर्कुलर फैशन नहीं है, लेकिन याद रखें उसके डोर्सल और वेंट्रल साइड होगा, उसका हेड भी होगा, टेल भी होगा, या आप कह सकते हैं कि उसके अंदर लेफ्ट राइट टॉप बॉटम साइड मौजूद होंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।